हमारे बीच हरियाणा से भी कुछ किसान आए हैं और ये अपनी मांगों को लेकर यहाँ संसद भवन पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए इनसे जानकारी लेते हैं, इनकी मांगे क्या हैं। आपका नाम? राम निवास। राम निवास जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं आया हूँ ढेरा डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी। आप क्यों आए हैं, क्या मांगे हैं? हमारी मांगे हैं कि हमारा उत्पादन जो है वो लागत से कम बिकता है, हमारे उत्पादन का जो मूल चाहिए और हमें कर्ज मुक्ति चाहिए। कर्ज मुक्ति चाहिए? कर्ज हमारे सिर पे कर्जा जो होता है उसके लिए मुक्ति चाहिए। तो आपके भारत सरकार से क्या मांग है? भारत सरकार से यही हमारी मांग है, स्वामी माध्यम रिपोर्ट लागू करे और हमारी फसल का उचित मूल्य दे और हमारे जो कर्जा बकाई है साथ में स्वामी माध्यम रिपोर्ट आई थी उसमें हमारा जो अनाज बिके है उसका सही मूल्य नहीं मिला और सही मूल्य का वो हमें उसका वो हमारे ऊपर ऋण है उसको माफ़ करे और आगे हमारी वो सभी मांगें पूरी करे। जैसे कि हम कहीं भी खाद लेते हैं, बीज लेते हैं, वो हमें महंगे दाम पर मिलता है और हमारा उत्पादन जो घाटे में पाकिस्तान में पानी जाने लग रही है, देखो बंद करके किसानों ने दिए जाओ है। जो पाकिस्तान में पानी जा रहा है वो बंद करके किसानों को दिए जाए, ये भी हमारी मांग है साथ में। जो पाकिस्तान में जो पानी जा रहा है वो किसानों को दिया जाए। हाँ, उसको बंद करके किसानों को दिया जाए, इससे किसानों को फायदा, वो मुफ्त में जा रहा है वहाँ। और क्या मांगे हैं आपकी? और यही कर्ज मुक्ति की और फसलों के भाव है जो सही किए जाए।